भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सातवीं सूची के दौरान छत्तीसगढ़ के चार लोकसभा क्षेत्र के लिए प्रत्याशियों के नाम पर अंतिम मुहर लगा दी है, जिसके अंतर्गत सबसे हाई प्रोफाइल माने जाने वाले राजधानी रायपुर लोकसभा से रायपुर नगर निगम के महापौर प्रमोद दुबे को टिकट दिया गया है। शुक्रवार को देर रात AICC ने प्रत्याशियों की सूची की घोषणा की, जिसके बाद से ही प्रमोद दुबे के घर आतिशबाजी फूटने का दौर जारी रहा। प्रमोद दुबे एक युवा प्रत्याशी है और काफी मिलनसार भी है, जिसका लाभ कांग्रेस को मिल सकता है। साथ ही साथ प्रदेश में सत्ता की बागडोर कांग्रेस के हाथ में है, ऐसे में रायपुर लोकसभा क्षेत्र में जीत का दावा सभी कांग्रेसी कर रहे हैं। गौरतलब है कि जब से छत्तीसगढ़ अलग राज्य बना है, तब से लेकर आज तक लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का सांसद ही रहा है, जिसमें रमेश बैस भाजपा से लगातार सांसद का चुनाव जीतते भी आ रहे हैं। महापौर प्रमोद दुबे ने टिकट मिलने के बाद मंदिर में जाकर माथा टेका और उसके बाद शहर के सभी विधायकों से जाकर आशीर्वाद भी लिया। इस दौरान वे सत्यनारायण शर्मा और कुलदीप जुनेजा के घर जाकर मिठाई खिलाई और चरण छुए। प्रमोद दुबे को टिकट मिलने के बाद रायपुर ग्रामीण से विधायक सत्यनारायण शर्मा और रायपुर उत्तर से विधायक कुलदीप जुनेजा ने प्रमोद दुबे के जीत को सुनिश्चित माना। साथ ही ढाई महीने प्रदेश की सरकार बनाम 5 साल केंद्र की सरकार को लेकर जनता के बीच जाने की बात कही। देखिए, प्रमोद दुबे जी के प्रत्याशी बनने से सभी वर्गों में हर्ष है और सभी लोग चाहते हैं कि कांग्रेस का सांसद बन जाए। जो निष्क्रिय लोग थे उनको हटाना है और प्रमोद दुबे जी को जिताना, ये हमारा काल रहेगा। जनता ने जैसे छत्तीसगढ़ की सारी 68 सीटें लाई है BJP से कांग्रेस में, उसी प्रकार 11 की 11 लोकसभा भी जनता ही लाएगी। 3 माह हुआ है, 3 माह में हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो काम किया, उन्होंने 15 साल में वो काम नहीं कर पाया और जनता इनसे त्रस्त थी, इनके सांसद से त्रस्त थी। अब आप देखिए, हमारे आदरणीय राहुल जी ने, भूपेश बघेल जी ने बहुत अच्छा प्रत्याशी रायपुर के लिए दिया है। ये रायपुर लोकसभा की 18 सीट हम लोग रायपुर की कांग्रेस जीतेगी पूरी। महापौर प्रमोद दुबे को टिकट मिलने के बाद जब हमारी टीम ने प्रमोद दुबे से चर्चा की, तो उन्होंने सबसे पहले राहुल गांधी और भूपेश बघेल को धन्यवाद देते हुए कहा कि महापौर रहते हुए उन्होंने रायपुर में कई काम करवाए हैं, साथ ही विधानसभा में कांग्रेस की जीत को लेकर और भूपेश सरकार के अब तक के कामकाज को लेकर आम जनता के बीच जाने की बात कही। प्रमोद दुबे ने यहाँ तक कहा कि देश की बदतर स्थिति को आम आदमी के बीच रखा जाएगा। प्रमोद दुबे ने कहा कि रायपुर क्षेत्र में 4 विधानसभा कांग्रेस के पाले में है, इसलिए इस बार लोकसभा में भी कांग्रेस की जीत सुनिश्चित है। देखिए, रायपुर सीट जो वर्तमान में है, पहले 1 सीट में ही माननीय सत्यनारायण शर्मा जी जीते थे, अब 3 सीटों पर हमने विजयश्री हासिल की। रायपुर नगर निगम सीमा में 5 विधानसभा है, 5 में से 4 विधानसभा हम लोगों ने जीता है। तो कुल मिलाकर के जनता पहले विधानसभा में अपने आकलन कर चुकी है और रिजल्ट दे चुकी है, तो वही रिजल्ट लोकसभा में भी आएगा। बहरहाल, प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट रायपुर लोकसभा क्षेत्र में अब आम मतदाता की नज़र भाजपा प्रत्याशी पर टिकी हुई है। भाजपा भी जल्दी अपने प्रत्याशी की घोषणा कर देगी, जिसके बाद रायपुर में चुनावी दंगल भी शुरू हो जाएगा। देश TV के लिए कैमरामैन ऋषि नेताम के साथ स्वरूप भट्टाचार्य की रिपोर्ट। ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। न्यूली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। देश TV, वी रिपोर्ट, यू डिसाइड।